बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। सरकार आज भी पेश करेगी अपना अनुपूरक बजट, तो 12:20 पर पेश किया जाएगा अनुपूरक बजट। 70,000 करोड़ से अधिक का होगा बजट। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अनुपूरक बजट पेश करेंगे। 6 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर सदन में चर्चा होगी। 7 दिसंबर से सदन में विधायी कार्य होगा। तो सत्र से पहले सीएम योगी करेंगे कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री सरकारी आवास पर ये बैठक होगी। सत्र से पहले अनुपूरक बजट कैबिनेट में पास होगा। तो बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। सरकार आज ही अनुपूरक बजट पेश करेगी। तो ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से सीनियर करेस्पॉन्डेंट शशांक जी जुड़ चुके हैं। शशांक जी, आज यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र है और सरकार आज जो है अपना अनुपूरक बजट पेश करेगी, लेकिन अनुपूरक बजट से पहले कैबिनेट की बैठक में इस बजट को रखा जाएगा। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण हो जाती है आज की जो बैठक है? देखिए उदय, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में शीतकालीन सत्र बुलाया गया है। पर सर्वदलीय बैठक थी और 3 दिवसीय ये शीतकालीन सत्र है। सरकार को आज ही अनुपूरक बजट पेश करना था, 12:30 पेश करना था अनुपूरक बजट 70,000 करोड़ से अधिक का। बताया जा रहा था वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अनुपूरक बजट को पेश करने की बात कर रहे थे, लेकिन 6 दिसंबर को उस पर चर्चा होगी और 7 दिसंबर को विधायी कार्य होगा। सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी अपने सरकारी आवास मार्ग कालिदास मार्ग पर बैठक बुलाई है और अनुपूरक बजट पहले सदन में पास होगा, उसके बाद में यानी कैबिनेट में पास होने के बाद सदन में जाएगा और चर्चा होगी कि किस विभाग को, अभी जो कैबिनेट बैठे उसमें ये चर्चा होगी किस विभाग को कितने मत की आवश्यकता है, कितना बजट किया जाए जो आने वाले सत्र से पहले पर्याप्त रहे और कम ना पड़े। धन यानी विकास के कार्यों में जो धन खर्चा किया जाता है उसमें कोई किसी तरह की कोई कसर ना रहे, कोई कमी ना रहे। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा और अपडेट करना चाहूंगा कि आज जो है वो सिर्फ बजट पर चर्चा जो होनी थी वो नहीं हो पाएगी, वो बजट पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज का जो विधानसभा की कार्यसूची आई है उसमें नेताजी को श्रद्धांजलि दी जाएगी, निधन की सूचनाएं वो दी जाएंगी और मांगों को लेकर विवरण प्रस्तुत किया जाना है 12:30 बजे। सदस्यों की गिरफ्तारी निरोध की सूचनाएं देनी है, विशेषाधिकार की अवहेलना भी का आज का सब्जेक्ट है। साफ तौर पर ये देखने वाली बात है कि आज अगर 5 दिसंबर की बात करें तो सदन में अनुपूरक बजट तो पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले निधन की सूचना को लेकर के जो लोग जिनकी जगह खाली हुई है विधायक है उनको लेकर के शोक संवेदना आज व्यक्त किया जाएगा। उसके बाद में 6 और 7 यानी कल और परसों में यहाँ इसकी कार्रवाई यानी जो अनुपूरक बजट है उसकी कार्रवाई को पूरा किया जाएगा। उदय शशांक जी, धन्यवाद आपको इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां कैबिनेट में आज बजट अनुपूरक बजट रखा जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये बजट को लेकर चर्चा की जाएगी और कैबिनेट में इस बजट को पास किया जाएगा। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। सरकार आज ही अपना अनुपूरक बजट पेश करेगी।